दिन काम करना है। देखो इतना बड़ा काम है और हमें हर बार ये बात ध्यान में रखना है कि क्या हमें अपने बच्चों के लिए खुद के लिए अच्छा भारत बनाना है कि नहीं बनाना है। ये राजनीतिक दल हमें अच्छा भारत नहीं देंगे, यदि उनकी ये सोच है कि हाँ वो अच्छा भारत देना चाहते हैं तो 21 लक्ष्यों को समर्थित हो जाए, हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। आवाज तो शपथ हो रही साहब आपके मुख्यमंत्री जी की, क्या उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? देखिए सभी मंत्री सभी लोग जो है पार्टी हाई कमांड के बंधुआ मजदूर है, ये ना तो हटके सोच सकते हैं ना हटके कुछ कर सकते हैं। ये केवल जो इन्होंने अपने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं थोड़ा सा भ्रष्टाचार करके उसकी पूर्ति कर लेंगे, इसके अलावा ये कुछ भी करने की स्थिति में नहीं। हम यहाँ मंत्री जी के कार्यालय में बैठे हैं, थोड़ी व्यस्तता है। अच्छा तो हम रात में ही बात कर पाएंगे? अरे मंत्री जी से ही बात करा दीजिए। मंत्री नहीं, जी वो तो आज भोपाल है। कौन मंत्री जी है? भोपाल कौन है? अच्छा इसके लिए हैं, इसके शपथ के लिए आए हुए हैं? हाँ भानु वर्मा जी। अच्छा ओके ओके ओके, चलिए लेकिन अपन को रोज काम करना है। मैं एक बार आपको दो काम को रिपीट कर दूं, एक तो आपको अच्छे लोगों की सूची बनाना है जो कर रहे। देखो एक मारी मेरी बात ध्यान से सुन लो, उनकी क्षमता पे ध्यान नहीं देना है, उनके सोच और चिंतन पे ध्यान देना है। जो भी व्यक्ति अपने खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहता है उसकी सूची बनाओ और हर जाति और हर धर्म के लोगों की उसमें जोड़ने की कोशिश करिए। कहाँ आप कहीं बाहर है क्या? गाड़ी की आवाज आ रही। हाँ मैं तो बाहर ही हूँ, गाड़ी की आवाज ठीक आ रही है आपको? तो मैं सिर्फ दो चीजों को दोहरा के फिर मैं इस फोन को रखता हूँ। एक तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जैसे हर दिन का काम होता है, आज के अच्छे व्यक्तियों की सूची करें, क्योंकि एग्जॉस्टिव सूची तो कभी बन नहीं पाएगी। बन पाएगी क्या? तो आज हम दो आदमी चार आदमी को क्या पहचान सकते हैं जो चाहे सक्षम ना हो लेकिन उनकी सोच कम से कम इतनी लायक तो हो कि उन्हें अपने बच्चों को अच्छा भारत देना है। वो किसी दल से के अंधभक्त और दल गुलाम ना हो, अपने हितों और अपने बच्चों के हितों को पहचान पाए, क्योंकि यदि हमने ऐसा नहीं कर पाया तो 2029 तक भारत की 66% पॉपुलेशन कैंसर या ऑटो इम्यून डिसीज से जो है ना पीड़ित होने वाली है। क्या हम अपने बच्चों को कैंसर से पीड़ित देखना चाहते हैं? क्या हम अपने बच्चों को इसी घटिया व्यवस्था जिसके तहत हमारे ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप के रखे गए हैं, क्या हम उससे मुक्ति पाना चाहेंगे? क्या एक ऐसा भारत पाना चाहेंगे जिसमें कॉग्निजिबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस और सिविल ऑफेंस का मतभेद ना हो? क्या हम अपने लिए एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था चाहेंगे जो पूरी तरह से पारदर्शी हो, अकाउंटेबल हो और संवेदनशील हो, राइट? जहां पर हम जैसे ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग यदि सही समय पर सही निर्णय ना लें तो उन्हें लाखों की क्षतिपूर्ति देना पड़े, वो भी अपनी जेब से। क्या ऐसी व्यवस्था हम चाहते हैं? क्या हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जहां पर बिना थाने जाए हमारी FIR दर्ज हो जाए और यदि कोई दुष्ट व्यक्ति झूठी FIR दर्ज करे तो जेल में सड़ जाए? क्या 15 दिन में ऐसे अकाट साक्ष्य जो है इकट्ठे हो जाए जो आज की पुलिस सोच भी नहीं सकती है? करना तो बहुत दूर है, उसकी सोचने की क्षमता के बाहर हो। क्या ऐसा जो है सपोर्ट सिस्टम हम अपनी पुलिस को दे पाएंगे? बात समझ रहे कि नहीं? तो ये बहुत आसान है मामा जी, बहुत आसान है। बस आपको दो काम करना है, एक काम करना है अच्छे लोगों की सूची प्रतिदिन के लिए बनाए कि आज के दो जो है ना अच्छे आदमी ये दो है, राइट? और ऐसे ही हमें उनके संगठनों को आइडेंटिफाई करना है। तो जाति स्पेसिफिक संगठन हो सकते हैं,
समाज स्पेसिफिक संगठन हो सकते हैं और प्रोफेशन स्पेसिफिक संगठन भी हो सकते हैं, राइट। तो इस बारे में अपनी और विस्तार चर्चा अपन करते रहेंगे। मेरे ख्याल से आप जहां पर हैं, आपको थोड़ा सा जो है मौका देते हैं, तो आप वहां पे अपना काम निपटा लीजिए। और मैं तो ये कह रहा हूं, जहां आप जाते हैं, यदि 2-4-10 लोगों को इकट्ठा करके मेरी बात करा पाएंगे तो एक बहुत बड़ा भला हो पाएगा, क्योंकि हमें आज के हालातों में ही अच्छे भारत का निर्माण करना है, जो बहुत मुश्किल हो गया है कि नहीं। चलिए, तो अब इसको वार्तालाप को यहीं विराम देते हैं। ठीक ठीक ठीक।